Today's topic, classification of contracts. Contracts are classified under three headings, that are classification on the basis of execution. Let me take pen. Classification on the basis of execution, then enforceability and creation. So very easy topic it is. On the basis of execution, there are three types: executed, executory and partly executed. Then on the basis of creation, there are four types: express, implied, contingent and quasi. And the last and third classification, enforceability, on that basis there are six classifications: valid contract, void contract, void agreement, voidable contract, illegal agreement and unenforceable agreement. Now we will see this one by one. So on the basis of execution, execution means performance. Contract perform हुआ है, होना बाकी है या आधा perform हुआ है. आधा means one of the party into the contract has performed his obligation or performance. Okay. So on the basis of execution, there are three types: executed, executory and partly executed. So executed, see ed means past tense. So past tense ka meaning kya hai? दोनों पार्टी का परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया है. देखो, बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव परफॉर्म्ड देयर ऑब्लिगेशंस. फॉर एग्जांपल, अजय सेल्स हिज आईफोन 6. कितने का है ये? 1,50,000 का. सेल किया बॉबी को. सो बॉबी ने पैसा दे दिया और फोन ले लिया. वेरी गुड सुमन. तो दोनों ने, अजय ने सेल किया मोबाइल, अजय को पैसा मिला, बॉबी को मोबाइल मिला, दोनों का परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया. इट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड. देन अनदर एग्जीक्यूटरी. एग्जीक्यूटरी मीन्स परफॉर्मेंस अभी बाकी है. बोथ द पार्टीज एग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, बट उनका परफॉर्मेंस बाकी है. फ्यूचर में परफॉर्मेंस कंप्लीट करेंगे, बट अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द पार्टीज आर स्टिल टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन. अब परफॉर्मेंस कब करेंगे वो? फ्यूचर में. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, रमेश एग्री हो गया है अपना होंडा सिटी कार सेल करने के लिए विजय को, और उसका प्राइस भी उसने बोल दिया है 2,50,000. बट रमेश क्या बोला कि वो डिलीवरी कब करेगा कार की? 1 month के बाद. और विजय पेमेंट कब करेगा? जब उसको कार की डिलीवरी हो जाएगी. बट इनमें कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि रमेश कार सेल करना चाहता है और किसको? विजय को. क्लियर चित्रा? वेरी गुड. 1 month. नाउ पार्टली एग्जीक्यूटेड. पार्टली मीन्स किसी दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी का परफॉर्मेंस कंप्लीट हुआ है, तो पार्टली एग्जीक्यूटेड मतलब वन पार्टी का परफॉर्मेंस कंप्लीट हुआ है और दूसरे पार्टी का परफॉर्मेंस बाकी है. देखो यहाँ पे स्टेटमेंट रीड करते हैं हम लोग. वन ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज फुलफिल्ड हिज ऑब्लिगेशन. एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन, अपना परफॉर्मेंस फुलफिल किया है. एंड अदर पार्टी हैज
टिल टू परफॉर्म, दूसरे पार्टी का परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बाकी है। देखो यहाँ पे वही हमने ऊपर वाला लिया है एग्जीक्यूटेड वाला कि अजय एग्रीज टू सेल आईफोन 6 150,000 बॉबी को सेल करने के लिए एग्री हो गया है, मतलब दोनों में कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, बॉबी भी रेडी है बाय करने के लिए। ओके, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। अजय हैंड्स ओवर मोबाइल इमीडिएटली, अजय ने क्या किया, इमीडिएटली अपना मोबाइल उसको दे दिया, मतलब अजय का परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया। बट बॉबी का परफॉर्मेंस कब कंप्लीट होगा, जब वो पेमेंट करेगा। बट बॉबी क्या बोलता है, मैं उसको यूज करके देखूंगा, अगर वेल कंडीशन में है तभी पेमेंट करूंगा, राइट। तो बॉबी बोलता है आई विल पे आफ्टर 1 month, तो बॉबी का परफॉर्मेंस बाकी है। तो इट इज कॉल्ड पार्टली एग्जीक्यूटेड। वेरी गुड मयूरी चित्रा। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, क्रिएशन का उनका वे कैसा है। ठीक है, सो वी ऑल नो दैट कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, या तो इम्प्लाइड होते हैं, या तो कॉन्टिंजेंट होते हैं, या क्वाजी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो एक्सप्रेस अभी 2 दिन से हम लेक्चर कर रहे हैं, आप सबको मालूम है कैसे होता है एक्सप्रेस। यस, चैट बॉक्स। एक्सप्रेस मीन्स स्पोकन और वर्ड्स और बाय मीमिंग, राइट। देन अभी जो कॉन्ट्रैक्ट स्पोकन यस्टरडे हमने किया था लीगल फॉर्मेलिटीज में, तो स्पोकन बोल के भी कर सकते हो, रिटन भी कर सकते हो, तो इसमें, या फिर मीमिंग। मीमिंग मतलब ऐसा ही क्या बोलते, शो करना बोलते हैं ना, हाँ मैं रेडी हूँ इसमें, ऐसा। तो दोनों का भी लीगल इफेक्ट होता है, ऐसा बोला है, राइट। दोनों का भी लीगल इफेक्ट सेम ही है, अगर वो वर्ड में भी हो तो भी उसको रिटर्न वाला ही लीगल इफेक्ट होता है, बट अदर पार्टी के इंटरेस्ट के लिए, बेनिफिट के लिए यही बोला गया है कि रिटर्न में करो, बट दोनों भी वैलिड होते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड तो इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट, कंडक्ट से ही समझ में आता है। यस्टरडे हमने एक एग्जांपल देखा कि रिक्शा स्टैंड पे रिक्शा खड़ी होती है, बस स्टैंड या बस डेपो में बस खड़ी होती है, रेलवे स्टेशन पे रेलवे होती है, इसका मीनिंग क्या है कि वो वहाँ से पैसेंजर को प्लाई करेंगे, लेके जाएंगे। तो एटीएम मशीन का एग्जांपल यहाँ हमने लिखा है। तो एटीएम मशीन का मीनिंग क्या है कि आप जब भी आपको पैसा विड्रॉ करना है या डिपॉजिट करना है तो वहाँ एटीएम मशीन होता है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट मतलब कंडीशनल। तो कंडीशन बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाता है। देखो यहाँ क्या लिखा है, द परफॉर्मेंस बिकम्स ड्यू। परफॉर्मेंस कब होगा, ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, क्या अनसर्टन फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर इवेंट जो है वो अनसर्टन है, होगी नहीं होगी, अगर हुई तो उसको क्या बोलेंगे हम, हैपनिंग, और नहीं हुई तो बोलेंगे नॉन हैपनिंग। अनसर्टन है मतलब बोल नहीं सकते फ्यूचर में होगा नहीं होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, देखो, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी। अभी यहाँ पे ए का मीनिंग है इंश्योरेंस कंपनी। ओके, तो समझो कि ए इंश्योरेंस कंपनी कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी 10,000 इफ बीज हाउस इज बर्न। तो यहाँ पे किसका इंश्योरेंस किया हुआ है, यस चैट बॉक्स,
इंश्योरेंस किसका है यहाँ पे? हाउस का. वेरी गुड तीशा. तो हाउस का इंश्योरेंस मीन्स जनरल इंश्योरेंस, यू ऑल नो दैट. तो हम प्रीमियम भरते हैं, लेकिन हमें इंश्योरेंस कंपनी, ये जो हमने 10,000 का इंश्योरेंस निकाला है ना, वो कब देगी? जब रजिस्ट्रेशन नहीं, यहाँ अंडरलाइन किया है, यस बर्न, जब हाउस बर्न होगा तभी मिलेगा. तो ये अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है. हमने इंश्योरेंस निकाला है इसका मतलब ये नहीं कि हाउस जलने ही वाला है. हो भी सकता है हैपनिंग या फिर नॉन हैपनिंग, नहीं भी हो सकता है. वेरी गुड तीशा, अनसर्टेन. ओके, तो कॉन्टिंजेंट समझ में आया आपको मयूरी, ऋषिकेश? यस, वेरी गुड. देन क्वाजी. क्वाजी मीन्स रिसेम्बल टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट अदर जो ओरिजिनल पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसा ही सेम, अगर जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है उनके बीच में होता है, इट इज कॉल्ड रिसेम्बल. देखो, सर्टन रिलेशंस, ये रिलेशंस मीन्स कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस, रिसेम्बलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जैसे रिलेशन क्रिएट होते हैं वैसे ही रिलेशन समझना, रिसेम्बलिंग मतलब समझना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट वाले ही रिलेशन. तो देखो एग्जांपल क्या है, ए प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर पिज्जा फ्रॉम मैकडोनाल्ड. क्लियर? तो इसमें किनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? यस, किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? चित्रा, सुमन, पंकज, ए एंड मैकडोनाल्ड, राइट? ए ने ऑर्डर प्लेस किया और मैकडोनाल्ड उसको पिज्जा डिलीवर करेगा. बट जो डिलीवरी बॉय है ना, उसने क्या किया, मिस्टेकनली वो पिज्जा बी के घर पे डिलीवर कर दिया. गॉट इट? पॉइंट समझ में आया? ए के घर पे डिलीवर करना था लेकिन बी के घर पे डिलीवर कर दिया, राइट? तो अगर बी ने वो पिज्जा एक्सेप्ट कर दिया, इसका मतलब बी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया है. बी ये नहीं बोल सकता है मैंने ऑर्डर नहीं किया है लेकिन मेरे घर में पिज्जा आया है, मैं उसको खा लेता हूँ या ले लेता हूँ, ऐसा बी नहीं बोल सकता. बी ने अगर वो ऑर्डर एक्सेप्ट किया तो वो वैसा ही रिलेशन बनेगा, रिसेम्बल मतलब वैसा ही रिलेशन बनेगा जैसे कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएट होता है. क्लियर? दोनों का रिलेशन समझ में आया? इट इज कॉल्ड, यस, कॉन्ट्रैक्चुअल तीशा. वेरी गुड. इट इज कॉल्ड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन फोर टाइप्स, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, कॉन्टिंजेंट एंड क्वाजी. नाउ नेक्स्ट एंड थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन. So there are six types on the basis of creation. So here I have written three types on one slide. So valid contract. तो valid contract के meaning से ही आपको समझ में आ गया होगा कि yesterday हमने जो essentials किए वो सब जिस contract में apply किए गए हैं उसको बोलेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ए कॉन्ट्रैक्ट दैट सैटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस लेड डाउन बाय लॉ. लॉ ने 10 कंडीशन बोले हैं जो हमने यस्टरडे किए, तो वो जिस कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई किए हैं या फिर हम बोलेंगे जिस एग्रीमेंट में अप्लाई किए हैं तो उसको क्या बोलेंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. देन नेक्स्ट है वॉइड. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वॉट? वॉइड है मीन्स वो एनफोर्सिएबल नहीं होगा. सीजेस टू एनफोर्सिएबल बाय लॉ. बट देखो यहाँ पे कैसा लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा है और वॉइड भी लिखा है. तो कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा वैलिड ही होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बना है,
कब बनता है? जब वो वैलिड होता है ना, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लेकिन यहाँ देखो void, कॉन्ट्रैक्ट के आगे void वर्ड आया है, तो इसका मतलब जब ये पहले ये कॉन्ट्रैक्ट बना तभी वो वैलिड था। गॉट इट? ये कॉन्ट्रैक्ट बना, यहाँ वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ये ज्योति, पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, वेरी गुड। पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन सर्टन कुछ चेंजेस या सिचुएशन फ्यूचर में आकर हो गए, जिसकी वजह से वो वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट कभी वॉइड नहीं होता है, या फिर जो वॉइड है वो कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, ये ध्यान में रखो। ओके, सो वॉइड बनने की वजह से क्या हो गया? वो सीजेस टू एनफोर्सिएबल, अभी वो एनफोर्स नहीं होगा। सीजेस मीन्स स्टॉप। ओके, तो वो void क्यों बन गया? देखो यहाँ पे लिखा है क्योंकि अभी उसका परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है, क्योंकि लॉ में चेंज हुआ है, या तो अदर रीजन मीन्स क्या हो सकता है कि जैसे कि वार डिक्लेयर हुआ है जिनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किए थे, राइट? तो देखो एग्जांपल क्या लिखा है, राजेश एग्रीज टू सेल 100 पैकेट्स ऑफ पान मसाला टू योगेश। पान मसाला या फिर उसको गुटखा बोलते हैं, राइट? तो पहले तो अलाउड था, उसमें कोई बैन नहीं था, तो ये एग्री, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वैलिड था। राजेश ने एग्रीमेंट किया कि वो 100 पैकेट पान मसाला योगेश को सर्टन प्राइस पे बेचेगा, और वो कमोडिटी डिलीवर होने वाली थी फ्यूचर में 4 मंथ के बाद। तो फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होना है उसको कौन सा टाइप बोलते हैं, बताओ? इसमें एग्रीमेंट बन गया है बट इसका परफॉर्मेंस फ्यूचर में होने वाला था, वेरी गुड, एग्जीक्यूटरी, वेरी गुड, नाइस ज्योति। तो ये एग्जीक्यूटरी फॉर्म का है, तो 4 महीने के बाद इसका परफॉर्मेंस होने वाला था, वेरी गुड सुमन, रमैया, क्रीना, वेरी गुड। तो बट 2 मंथ के बाद ही, जैसे उनका एग्रीमेंट हुआ 2 मंथ के बाद ही उस पे पान मसाला के बाइंग एंड सेलिंग पे लॉ ने बैन कर दिया, क्लियर? इसीलिए अभी वही जो वैलिड था पहले, तो अभी वो क्या हो गया? वॉइड। वेरी गुड तीशा, मयूरी, सुमन, वॉइड, वॉइड हो गया, क्लियर? देन नेक्स्ट, अभी void agreement, तो agreement तो void हो सकते हैं, राइट? agreement तो, agreement का स्कोप ही इतना बड़ा है, जो जिसके भी लिए आप agree होते हो तो कर सकते हो, लेकिन वो void illegal है तो void। तो void जो है never transform into contract, contract में वो void from the beginning, very good। तो जब बने एग्रीमेंट बना तभी से वो void है कि वो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, void ab initio। void ab initio थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है तीशा, ओके? तो ओके, अरे हाँ, तो हाँ, नेवर ट्रांसफॉर्म इनटू कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट विथ अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, वेरी गुड। तो एब इनिशियो का मीनिंग क्या है? यस, फ्रॉम स्टार्टिंग, जैसे हमने यस्टरडे एक पॉइंट किया था सेक्शन 11 का, void from the beginning, very good, nil from beginning, yes, means parties ही contract में enter होने के लिए eligible या competent नहीं है। जो हमारा yesterday था ना section 11, competent to enter into contract, very good। तो parties ही contract में, कौन कौन enter contract में enter होने के लिए एलिजिबल नहीं है, बताओ? यस, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए
कौन से पार्टीज एलिजिबल नहीं है? माइनर, वेरी गुड तीशा, माइनर अलाइन एनिमी, राइट, माइनर माइनर एमडीएस ने अलाइन एनिमी, वेरी गुड, और अनसाउंड मयूरी, वेरी गुड, आदर्श माइनर, ऋषिकेश माइनर, वेरी गुड, नॉन साउंड, वेरी गुड। तो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, वॉइड एब इनिशियो, मीन्स पर्पस वो सब बाद में देखा जाएगा, बट पार्टीज, जो पार्टी मिलके कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट में एंटर हो रहे हैं वही एलिजिबल नहीं है, इट इज कॉल्ड वॉइड एब इनिशियो। तो वो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेगा ही नहीं, तो एग्रीमेंट ही क्या हो जाएगा, वॉइड होगा। Let erase. Now remaining three. Okay, so voidable, illegal, unenforceable. तो voidable means what? Void हो सकता है या कर सकते हैं। कौन करेगा? वॉइड करना है कौन करेगा? यस, हमने फ्री कंसेंट में भी देखा था ये इनोसेंट पार्टी। ओके, सो एग्रीमेंट वैलिड होता है, वॉइडेबल मतलब वॉइड कर सकते हो ना, तो वैलिड होता है जब तक आप उसको अवॉइड या वॉइड डिक्लेयर नहीं करते हो, तब तक वो वैलिड है। और अवॉइड करने का राइट किसको है? इनोसेंट पार्टी का। तो यस्टरडे एक इमेज भी दिखाया था आपको कि एक बंदा बैठा है और दूसरा उसको गन पॉइंट दिखा रहा है। तो देखो वो कौन थे बंदे, उनके नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं, रुपेश एट अ गन पॉइंट कैलाश को क्या बोल रहा है, टू एग्री फॉर सेलिंग हिज हाउस, उसको क्या बोल रहा है, जो उसका 1 करोड़ का घर है वो उसको 50 लाख में सेल करे। ओके, तो गन पॉइंट पे बोल रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या नहीं है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाएंगे, राइट, लेकिन क्या कमी है यहाँ पे? यस, गन पॉइंट पे आप किसी को, किसी का एसेंट ले सकते हो क्या? यस स्टूडेंट्स, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या कमी है? फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं लिया जा रहा है, और कैलाश को गन पॉइंट पे बोला जा रहा है कि तेरा 1 करोड़ का घर मुझे 50 लाख में बेच दे। ठीक है, अभी आउटर पीपल को या आउटसाइड अदर देन कॉन्ट्रैक्ट उनको क्या लगेगा, कैलाश ने रूपेश को घर बेच दिया है और वो भी सस्ते में, लेकिन कैलाश को ही मालूम है कि उसने असेंट या अपना कंसेंट कैसे दिया, बराबर ना? तो यहाँ पे इनोसेंट पार्टी है कैलाश, तो कैलाश अगर चाहेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर सकता है, इट इज कॉल्ड वॉइडेबल। समझ में आया? यस, चैट बॉक्स फ्रीज हो गया, आगे नहीं दिख रहा है, ये समझा पॉइंट आपको, वॉइडेबल, वॉइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट है इलीगल, अभी इलीगल है तो वो एग्रीमेंट तक ही रहेगा, राइट, क्योंकि जो लीगल है, वैलिड है, वही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो इलीगल का मीनिंग है ऑब्जेक्ट जो है जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है वो अनलॉफुल। सो देखो यहाँ पे एग्जांपल दो दिए हैं, किडनैपिंग के लिए एग्रीमेंट किया है, राजेश एग्रीज टू पे योगेश 1 लाख रुपए फॉर किडनैपिंग, देन ये इलीगल नार्कोटिक सेल करने के लिए इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है।
तो जिसके लिए सॉरी एग्रीमेंट बनाया जा रहा है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। तो जिसके लिए ये ऑब्जेक्ट मीन्स पर्पज ऑफ द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इज वॉइड, एग्रीमेंट वॉइड नहीं रे, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बोलते हैं। एग्रीमेंट तो अलाउड है ना, आप एग्रीमेंट कर सकते हो। यस सुमन, तो एग्रीमेंट कर सकते हो, वॉइड हो, इलीगल हो, अनएथिकल हो, एग्रीमेंट कर सकते हो, ओके। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड व्हेन ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। ऑब्जेक्ट मतलब पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करते हो वो पर्पज मीन्स ऑब्जेक्ट। तो पर्पज ही अनलॉफुल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलीगल एग्रीमेंट। देन लास्ट वन इज अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, वेरी गुड प्रणय, पर्पज, पर्पज सुमन, वेरी गुड मयूरी। नाउ देखो यहाँ पे वर्ड है अनएनफोर्सिएबल और कॉन्ट्रैक्ट भी जॉइंड है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट जहाँ वर्ड है मीन्स वर्ड कि वो आप जो भी इसेंशियल्स है ना कॉन्ट्रैक्ट के, वो सब यहाँ पे अप्लाई है, लीगल है। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग ही है कि वो लीगल है। नील क्या, कैनॉट एंटरटेन बाय कोर्ट, या तो अनएनफोर्सिएबल मतलब वो एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते हैं, तो ड्यू टू सर्टन टेक्निकलिटीज। देखो ए एग्रीज टू सेल बी, क्या है उनका एग्रीमेंट, देखो टू सेल 100 केजी ऑफ राइस और कंसिडरेशन भी बोला है, ठीक है, 100 केजी का राइस और कंसिडरेशन। लेकिन बाद में क्या हुआ, वहाँ पे फ्लड आ गया, देर वॉज ह्यूज फ्लड इन द स्टेट, तो उस स्टेट में फ्लड आ गया और पूरा क्रॉप जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया। यस, केस समझ में आया, एग्रीमेंट हुआ है राइस सेल करने के लिए, राइस डिलीवर करने के लिए, लेकिन फ्लड आ गया और क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया। तो अभी वहाँ पे क्रॉप ही नहीं है, आपने आपके एग्रीमेंट का पर्पज ही डिस्ट्रॉय हो गया, ऑब्जेक्ट ही डिस्ट्रॉय हो गया। देखो ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, किसके लिए आप एग्रीमेंट कर रहे हो, फॉर 100 केजी ऑफ राइस, ये आपका एग्रीमेंट का पर्पज है। लेकिन ये फ्लड की वजह से, वेरी गुड सुमन लोकेश, फ्लड की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। तो अभी एग्रीमेंट आपका, आप दूसरा पार्टी उसका परफॉर्मेंस फुलफिल कर पाएगी क्या, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट इज अनएनफोर्सिएबल। और एक एग्जांपल है, देखो यहाँ पे ए एग्रीज टू पे बी ए सम ऑफ रुपीज 10,000 आफ्टर 5 years अगेंस्ट लोन, ओके। तो लोन लिया है 8,000 का और क्या बोला है कि 5 year के बाद मैं 10,000 आपको रीपेमेंट कर दूंगा, बट 4 year में ही वो डाई, उसका डेथ हो गया, नेचुरल कॉज में डेथ हो गया। तो अभी इस मीन्स जो एग्रीमेंट का जो पार्टी था उसका ही डेथ हो गया, तो अभी एग्रीमेंट का परफॉर्मेंस होगा, नॉट पॉसिबल। तो रीजन क्या है, टेक्निकलिटीज, वेरी गुड। तो देखो जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आता है तो ये ध्यान में रखो कि वो वैलिड है, लीगल है, बट उसके साथ और कुछ प्रॉब्लम अराइज हुआ है या जॉइंड हुआ है, इसीलिए फिर वो अनएनफोर्सिएबल, या फिर यहाँ हमने वॉइडेबल लिखा है, राइट। तो ऐसा हो जाता है, या तो हमने पहला स्लाइड किया था उसमें वॉइड वर्ड था, बराबर। तो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग लीगल एंड यस वैलिड, बट सर्टन सिचुएशन की वजह से वो वॉइड, अनएनफोर्सिएबल,
या फिर वॉइडेबल किस सिचुएशन में जाता है. आई थिंक ऑल आर वेरी इजी. थैंक यू.